पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ गोरखपुर के 9 परियोजनाओं के जिनकी लागत 76,49,29,000 है, इनका लोकार्पण का और 16 परियोजनाओं जिनकी लागत 54,20,12,000 है, इनके शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन कार्यों में रुचि लेने के लिए बधाई देता हूं और आप सबका भी हृदय से बधाई और देते हुए अभिनंदन करता हूं। ये विकास आप सबके लिए फलीभूत हो। इन विकास कार्यों के माध्यम से न केवल बुनियादी सुविधाओं बल्कि इन विकास योजनाओं के माध्यम से हम विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आर्थिक समृद्धि को भी प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले महीने केंद्र सरकार का बजट आया और उसके उपरांत 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट प्रस्तुत किया। हम सब जानते हैं कि प्रदेश हो या केंद्र हो, दोनों सरकारों का बजट विकास और रोजगार को केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया गया था। याद रखना, विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता और समग्र विकास की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसके बारे में 2014 में इस देश की जनता के सामने कहा था, उसके अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है या केंद्र सरकार ने बनाए थे और आज वे मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2017 के बाद प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने भी उसी रूप में कार्य करते हुए अपने जो कार्य योजना लागू की थी, आज उसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का कोई जनपद, कोई लोकसभा सीट या कोई विधानसभा सीट या कोई विकास खंड ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर विकास का कोई ना कोई कार्य या कोई ना कोई बड़ी परियोजना ना आई हो। हर एक जगह गया है, हर एक स्तर पर गया है और गोरखपुर के लोग तो इसके जीते जागते उदाहरण है। कल केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री आए थे गोरखपुर में। 1990 में जो फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था, ये खाद का कारखाना इस साल जुलाई तक बनकर के तैयार हो जाएगा और जुलाई तक बनने के साथ ही खाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को सही और सस्ती खाद मिलेगी, क्वालिटी की खाद मिलेगी अपनी उत्तम खेती के लिए। साथ साथ यहां के युवाओं को नौकरी और ढेर सारा रोजगार भी उसके माध्यम से प्राप्त होने वाला है। यानी जो कार्य पिछली सरकारों ने जिसे हताशा और निराशा में बदल दिया था, उसे आशा और विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने की जिस संकल्प के साथ मोदी जी ने 2014 में देश की जनता के सामने वायदे किए थे, आज वह मूर्त रूप लेता जा रहा है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना इसी वर्ष जुलाई के बाद जब चलता हुआ दिखाई देगा, वहां से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देगा, तो एक नए भारत की एक नई तस्वीर गोरखपुर भी उसके साथ जोड़ता हुआ दिखाई देगा। आप में से ज्यादातर लोग मेरे साथ सड़कों पर इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ
आंदोलन के साक्षी रहे हैं। वह भी सरकारें थी जिनके एजेंडे में गांव नहीं था, गरीब नहीं था, उपचार की सुविधा नहीं थी। याद करिए, गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, 3 घंटे 4 घंटे बामुश्किल बिजली, और शहरी क्षेत्र में बिजली न हो तो कल्पना कर लीजिए, आपका ये मोबाइल फोन किसी लायक नहीं, फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी, और यही स्थिति रहती थी। हर हर व्यक्ति परेशान रहता था। हम सड़कों पे आंदोलन करते थे। इस देश के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की सरकारें काम कर रही थी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपदों में मासूम बच्चे मरते थे। हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत केवल गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर होती थी, और शेष अन्य जनपदों को लेंगे तो इतनी ही मौतें अन्य क्षेत्रों में भी होती थी। कोई पुरसा हल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये बच्चे, 90% बच्चे अल्पसंख्यक और दलित वर्ग से आते थे। इनके नाम पर राजनीति करने वाले, इन्हें वोट बैंक बनाने वाले लोग तब भी मौन रहते थे। ऐसा नहीं कि उनको शासन में आने का अवसर न मिला हो, उनको अवसर मिला था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। मैं एक बार गया, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हमें गोरखपुर के लिए एम्स चाहिए 2014 में, और याद करिए 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी गोरखपुर में ही आए, उन्होंने एम्स का भी शिलान्यास किया। आज गोरखपुर में एम्स पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा। इस वर्ष के अंत में हम लोग एम्स का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। एम्स यानी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा का एक केंद्र वह गोरखपुर को प्राप्त हो रहा है। लेकिन एम्स के बनने में 2-3-4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ये हर व्यक्ति जानता था। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 7 नई सुपर स्पेशलिटी के लिए भी एक नया ब्लॉक स्वीकृत किया, और वह बनकर के तैयार हुआ। इस बार आपने देखा होगा कोरोना के दौरान हमने उसी ब्लॉक को कोविड हॉस्पिटल बनाया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सामान्य उपचार चलेगा और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को हम लोगों ने लिया, और उसमें हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बना करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को कोरोना कालखंड में कोरोना के उपचार के लिए एक बेहतरीन सेंटर दिया, जिसमें हर बेड पर वेंटिलेटर था और वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही थी। विकास, आज यहां पर सड़कें चौड़ी हो रही हैं, आज आपको बिजली मिल रही है, गांव गांव में सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, जल निकासी की समस्या का समाधान हो रहा है। शहर हो या गांव, अब यह आवश्यक नहीं कि किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी विधायक या महापौर के ही घर की सड़क बनेगी। ठीक बात है, ये नेतृत्व करता है, ये प्रतिनिधि है, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति का भी वही मूल्य है, और उसके अनुरूप ही विकास का कार्य उसी रूप में तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजगार का सृजन हो रहा है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, नौकरियां आगे बढ़ रही हैं। 4 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी दे चुके हैं। प्रदेश के अंदर जो 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात नगर विधायक कह रहे थे, तो उसमें 35 लाख नौजवानों को वहां पर उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरी मिली, और साथ साथ हम लोगों ने स्वरोजगार के साथ ही विभिन्न प्रकार के अन्य एमएसएमई यूनिट को जो सहयोग किया है काफी बड़े पैमाने पर, वहां पर भी लोगों को रोजगार और स्वतः रोजगार उसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में, गोरखपुर में
पहले एक वायु सेवा नहीं चल पाती थी दिल्ली गोरखपुर के बीच में, कभी आती थी कभी बंद हो जाती थी, और आज 8 जगह के लिए गोरखपुर से वायु सेवा है। अगर किसी को गोरखपुर से मुंबई जाना है हवाई सेवा है, कोलकाता जाना है हवाई सेवा है, दिल्ली जाना है सुबह से लेकर शाम तक वायु सेवा है, बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए है, लगातार हर एक जगह को जोड़ने का काम तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य, अगर नेपाल जाना है अब 1.5 घंटे में आप नेपाल पहुंच सकते हैं, पहले तो शहर के अंदर ही 1.5 घंटा लग जाता था, आज आप जाइए एयरपोर्ट से निकलिए या रेलवे स्टेशन से निकलिए, नेपाल जाना है 4 लेन की सड़क आपको उपलब्ध होगी, आपको मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज जाना है 4 लेन की सड़क आपको उपलब्ध होगी, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, बहुत शीघ्र हम लोग वहां पे अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा फिर वहां पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर और कुशीनगर में हमारे यहां सिंगापुर से, जापान से, श्रीलंका से या अन्य जगह से विमान आएंगे, हमारे लिए कल्पना थी। भगवान राम ही कभी आए थे पुष्पक विमान से अयोध्या, लेकिन अब तो प्रत्येक नागरिक भी विमान से श्रीलंका भी जा सकता है और सिंगापुर भी जा सकता है, कहीं की भी यात्रा आप गोरखपुर में बैठ करके गोरखपुर से ही कर सकते हैं, कुशीनगर से कर सकते हैं। ये विकास की वह सोच है जिसने विकास के साथ साथ रोजगार का भी सृजन किया है, हर एक स्तर पर विकास हो रहा है। ये जो सड़कें जिन योजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है ये भी लोक कल्याण के लिए है, विकास के लिए है, और जिनका शिलान्यास हुआ है ये भी उसी प्रक्रिया के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी महीने हम लोग गोरखपुर की जनता को चिड़ियाघर उपलब्ध करा रहे हैं, जू, शेर आ चुके हैं यहां, आप देखना कितना अच्छा जू बना है, प्रदेश का अब तक का बेहतरीन जू है। यह मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक माध्यम मिलेगा, बनेगा, और इस पूरे क्षेत्र में आप देखते होंगे क्या स्थितियां थी, आज से कल्पना करिए 20 साल पहले क्या था यहां पे। गोरखपुर के हर प्रकार के अपराध का केंद्र बिंदु हुआ करता था यह पूरा क्षेत्र, शहर की पूरी गंदगी गिरती थी रामगढ़ ताल में, और आज रामगढ़ ताल पर्यटन के एक नए केंद्र बिंदु के रूप में भर रहा है। गोरखपुर में सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए हमें जगह तलाशनी पड़ती थी, आज तो ये पार्क महंत दिग्विजय नाथ जी के नाम पर ये पार्क भी गोरखपुर की जनता को प्राप्त हो गया है, और बगल में चंपा देवी पार्क भी उसके लिए तैयार हो रहा है। यानी सार्वजनिक कार्यक्रम अगर हमें करने हैं तो ये पार्क आपके लिए उपलब्ध है। इस पार्क के बीच अगर आपको लगता है कि संख्या कम है, 2000-2500 लोगों का कार्यक्रम करना है, हम लोग एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह भी इसी महीने गोरखपुर की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। यहां पर न केवल सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बल्कि यहां के कलाकारों के लिए भी एक मंच हम उसके माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। हर एक स्तर पर आज आप जाइए राजघाट में, कभी हम लोग राजघाट को मानते थे शमशान घाट है, गंदगी रहती थी, कभी किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में वहां चले गए तो उसका मन खिन्न होता था, वहां गंदगी देख करके, धूल देख करके, गर्मियों में भयंकर गर्मी के बीच में कैसी खराब स्थिति होती थी, या बरसात में चले गए तो उस गंदगी में वहीं कीचड़ है, वहीं बदबू है, और वहीं पर हम अंतिम विदाई दे रहे हैं किसी व्यक्ति को। आज आप जाइए कितना अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, स्नान करना हो पवित्र राप्ती नदी में तो उसके लिए भी वहां व्यवस्था है, और वहां पर अन्य कार्यक्रमों के साथ, कर्मकांड के साथ जुड़ना है तो उसके लिए भी वहां उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। यह विकास की सोच होती है, यह विकास पहचान बनती है किसी नगर की, किसी जनपद की, किसी क्षेत्र की।
और यहीं से विकास की सोच को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो लोगों की सोच में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा अभी स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उन्हें लोन उपलब्ध कराया गया, सस्ती दर पर लोन। और मुझे प्रसन्नता है कि डिजिटल पेमेंट के साथ उनको जोड़ने का कार्य हुआ है। डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने पर उनको अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होगा। ये ट्रेनिंग साथ साथ चलनी चाहिए हर एक कार्य में। कल हम लोगों ने यहां पे लोन मेला लगाया था, लोन मेले के पीछे भी उद्देश्य था, छोटी पूंजी वाले के पास अगर कहीं पूंजी कम हो गई बैंक उसकी सहायता के लिए खड़ा है। लेकिन हम प्रशिक्षण और उसको इस बात के लिए कि हमने पूंजी ली है, हम समय से इस पूंजी को जमा भी करेंगे। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले हमारे पास केवल एक मार्ग था, गोरखपुर से बस्ती होते हुए अयोध्या होते हुए। अब हम लोग एक नया मार्ग गोरखपुर एक्सप्रेसवे के माध्यम से दे रहे हैं, गोरखपुर अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के बीच से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ आप जुड़ जाएंगे। यानी दूरी उतनी ही है जितनी दूरी गोरखपुर बाया बस्ती होते हुए है, दूरी उतनी ही पड़ेगी। लेकिन एक नया विकल्प आपके सामने, जहां पर आपको लखनऊ की यात्रा करनी है तो मात्र गोरखपुर से 3 घंटे में लखनऊ आप पहुंच जाएंगे। और हम लोगों ने एक और अनुरोध भारत सरकार से किया है कि अभी तक गोरखपुर लखनऊ के बीच का जो ये मार्ग है 4 लेन का, अब इसको 6 लेन कर लेना चाहिए। अब ये 6 लेन का मार्ग बनने जा रहा है गोरखपुर शहर के अंदर भी। आपने देखा होगा कि मोहतीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए मानीराम जंगल कोड़िया का मार्ग 4 लेन बन रहा है। अब बरगदवा से भी स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोदीपुर तक इसको हम 4 लेन बनाने जा रहे हैं। पैरलेगंज से नौसर तक 6 लेन का काम होने जा रहा है। यानी ये विकास, जिस विकास के साथ जुड़ करके हम ढेर सारी उन योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं जो न जाने कितने नौजवानों के लिए रोजगार लेकर के आएगा, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लेकर के आएगा। और विकास की सोच के साथ हर एक व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, हमें विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने देनी चाहिए। अक्सर होता है हर व्यक्ति को सड़क चाहिए, हर व्यक्ति को जल निकासी की सुविधा चाहिए, हर व्यक्ति को बिजली चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोल देगा कि मैं सड़क भी उपयोग करूंगा, जल निकासी के लिए नाली का उपयोग भी करूंगा, लेकिन मेरे घर के सामने से किसी की सड़क नहीं जाएगी, मेरे घर के सामने से किसी की नाली नहीं जाएगी, मेरे घर के सामने से किसी के बिजली के तार नहीं जाएंगे, तो क्या विकास हो पाएगा? हमें इससे उभरना पड़ेगा। विकास की एक समग्र सोच, सुरक्षा आवश्यक है लेकिन विकास की एक समग्र सोच बनानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं, गोरखपुर में एक नया प्लास्टिक पार्क हम लेकर के आ रहे हैं। आप सोचना, लगभग 100 के आसपास उद्योग लगेंगे उसमें भी। 25,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार लेकर नौकरी लेकर के आ रहा है वो अभी। ये पार्क का मतलब ऐसे पार्क नहीं जहां पर आप लोग, यानी जहां पर प्लास्टिक से जुड़े हुए हर उत्पाद का वहां पर प्रोडक्शन होगा, उसके निर्माण की कार्रवाई उसके साथ जुड़ेगी, उसकी वहां पर डिजाइनिंग भी होगी, वहां पर उसके बारे में कौन सी नई तकनीक दुनिया के अंदर आई है, उस तकनीक के साथ जुड़ करके कौन कौन सी चीजें प्लास्टिक से बनाई जा सकती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टॉय फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। आज तो प्लास्टिक भी टॉय फेस्टिवल का एक पार्ट बन चुका है। प्लास्टिक स्वयं भी उस क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। कैरी बैग को छोड़ करके बाकी घर के बर्तन से लेकर के कौन सा ऐसा सामान है जिस प्लास्टिक से न बनता हो, और प्लास्टिक पार्क इस दिशा में एक नई सोच यहां पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। बहुत शीघ्र गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई भी प्रारंभ होने जा रही है। यह आयुष विश्वविद्यालय, अक्सर होता है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो फिर जमीन संबंधी विवाद खड़े होने लगते हैं। याद रखना, विकास तो जमीन पर ही होगा, और जब विकास आता है तो अपने साथ ढेर सारा रोजगार और नौकरी और भविष्य की संभावनाओं को लेकर के आता है।
हमें इस बात को मजबूती से अपने मन में पेट कर देनी पड़ेगी कि विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं, और विकास के कार्य में हमारा सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हम विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी ढेर सारी संभावनाएं हैं। गोरखपुर में तो यहां पर बाबा गोरखनाथ के धाम पर लोग आते हैं, लाखों की संख्या में देश और दुनिया का श्रद्धालु आता है, अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, योग का जिज्ञासु भी आता है। सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र गीता प्रेस में, साहित्य के क्षेत्र में धार्मिक साहित्य को खरीदने के लिए भी आता है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो देश की स्वाधीनता आंदोलन में जो अपने आप में एक तीर्थ बन गए, बहुत सारे शक्ति के केंद्र भी बने हुए हैं। लेकिन इन शक्ति के केंद्रों के साथ ही हम लोगों को इस बारे में भी देखना होगा कि गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध टूरिज्म का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, और बिहार और नॉर्थ ईस्ट से या नेपाल से जोड़ने के लिए, अयोध्या आने के लिए अगर कोई भी तीर्थ यात्री आता है, कोई भी पर्यटक आता है, तो गोरखपुर उसका केंद्र बिंदु है। गोरखपुर से आप बौद्ध तीर्थ स्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं। कुशीनगर है, कपिलवस्तु है, श्रावस्ती है, वहां भी जा सकते हैं, और गोरखपुर से मगहर भी जा सकते हैं, अयोध्या भी जा सकते हैं, और काशी भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गोरखपुर उसका केंद्र बिंदु है। तेजी के साथ इसमें लोगों ने एक नई सोच के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। हम लोगों को सोच को विकसित करना होगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने यूथ को भी जागरूक करना पड़ेगा। बहुत सारा यूथ इसमें गाइड का काम कर सकता है, ट्रेंड गाइड। वो हिंदी में भी अंग्रेजी में भी थोड़ा उसको स्पीकिंग की आदत डालनी पड़ेगी, बोलने की उसकी आदत डालनी पड़ेगी। आप देखना ढेर सारा रोजगार उससे सृजित होगा। लोगों को सही जानकारी, हमें इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में कि भविष्य की योजनाएं क्या हो सकती हैं, कैसे विकास की नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ा सकते हैं, इनके बारे में ट्रेनिंग के कार्यक्रम होंगे। फर्टिलाइजर यहां लग रहा है, फर्टिलाइजर के कैंपस में हम स्किल डेवलपमेंट का भी एक सेंटर बनाने जा रहे हैं। गोरखपुर का जो युवा फर्टिलाइजर में काम करने का इच्छुक होगा, यहीं पे उसका स्किल डेवलपमेंट होगा, और स्किल डेवलपमेंट के बाद उसके समायोजन की कार्रवाई न केवल फर्टिलाइजर में बल्कि और भी उद्योग, चीनी उद्योग यहां पर फिर से, जो चीनी उद्योग एक बार बंद हो चुका था, आज फिर से यहां पर एक नई जीवंतता के साथ वे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिपराइच की चीनी मिल हम लोग विगत वर्ष प्रारंभ कर चुके हैं। आज पिपराइच में 50,000 क्विंटल गन्ना प्रतिदिन पेरने की क्षमता पिपराइच चीनी मिल में, वह एक नए भविष्य की ओर इशारा कर रहा है गन्ना किसान के लिए। किसान भाइयों की आमदनी को दुगना करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए उतावला दिखाई देता है। हम सब भी इसमें सहभागी बने, यह विकास की एक नई सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर प्रशासन से ही कहूंगा कि जो कार्य पूरे हो रहे हैं उसकी क्वालिटी की नियमित समीक्षा होती रहनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों से भी यही आग्रह करूंगा कि विकास कार्यों की समीक्षा और भौतिक सत्यापन करते हुए मानक के अनुरूप वह कार्य समयबद्ध ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम जरूर जांचें, इसको हम अवश्य देखें। कार्यों में शिथिलता अनावश्यक रूप से नहीं होनी चाहिए और कोई लापरवाही भी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कार्यदायी संस्था या कहीं पर कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी अन्य व्यक्ति कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे नहीं बढ़ा रहा, तो उसको 3 बार कम से कम चेतावनी दे दीजिए, और नहीं करता है तो कार्रवाई करते हुए उस कार्य के मार्ग में बाधा नहीं आनी चाहिए। किसी पब्लिक के नागरिक, आम नागरिक को इसके कारण परेशान नहीं होना चाहिए, यह हम सुनिश्चित करवा लें। महिलाओं के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम महिलाओं को
ध्यान में रख करके उनकी सुरक्षा को, उनके सम्मान को, उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके हम विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन उस दिन हरेक जनपद में करें। उसमें मान्य जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करें, हरेक तबके के अधिकारियों को, कर्मचारियों की उसमें सहभागिता हो। प्रयास होना चाहिए कि मंच का संचालन से लेकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही दी जाए। आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कोटे की दुकान अब जो भी खाली होगी वो महिला स्वयंसेवी समूह को ही देने का निर्णय सरकार ने किया है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोगों ने एक और निर्णय किया है, जो बाल पुष्टाहार था यह भी अब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह के जिम्मे देना प्रारंभ कर दिया है कि यही अब उसको वितरण करने का काम करेंगे। क्योंकि ये बाल पुष्टाहार समय से सही जगह अगर पहुंच जाए तो हम कुपोषण की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं और कुपोषण की समस्या के समाधान के साथ साथ शिशु मृत्यु दर को और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। हमें देखना चाहिए कहीं भी कोई किसी बालिका के साथ, किसी महिला के सामने सुरक्षा का संकट नहीं होना चाहिए। यह भाव आना चाहिए जो भारतीय सोच रही है, वह भाव था गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। यह भाव गांव की बेटी है तो सबकी बेटी होनी चाहिए, यह भाव आना चाहिए, यह संस्कार आना चाहिए। ये चीजें अगर हम पैदा कर सकेंगे बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, समाज में सुरक्षा का एक भाव होगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रदेश के अंदर संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ है और कहीं भी कोई अपराधी और कोई माफिया सिर नहीं उठा सकता, किसी गरीब की, किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकता है। और अगर करता है तो हमने प्रशासन को इस बात की खुली छूट दी है कि पूरी शक्ति के साथ ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। लेकिन जो अपराध अभी भी इस प्रकार का है, जो एक सोच, विकृत सोच, पाश्चात्य संस्कृति के कारण पैदा हुआ है, इस विकृत सोच को भी सुधारने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ समाज को भी लेनी पड़ेगी। और समाज का मैं आह्वान करूंगा, सरकार आपके साथ मिलकर के हर प्रकार से सहयोगी बनना चाहता है इस अभियान के साथ। हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन इसी उद्देश्य से किया था, हम लोगों ने मिशन शक्ति के पहले चरण का कार्यक्रम इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया था, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना इसी उद्देश्य से की थी, हर तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना इसी उद्देश्य से की है और अभी 8 मार्च को भी विभिन्न प्रकार की कार्यक्रमों को, विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाओं को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन हम भी इस व्यवस्था के साथ जुड़े, जागरूकता आवश्यक है, सुरक्षा का बोध हरेक स्तर पर आवश्यक है और सामान्य संस्कार और शिष्टाचार का पालन भी इसके लिए आवश्यक है। इसके साथ अगर हम सब जुड़ जाएंगे बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और अगर आधी आबादी के मन में सुरक्षा का बोध हो गया, जो संगठित अपराध को समाप्त करके किया गया, लेकिन अभी भी जो थोड़ी बहुत शिकायतें आती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, अगर समाज जागरूक हो जाएगा तो फिर बोलना ही क्या है, तब तो फिर समाज में कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। और भाइयों बहनों, हमें इसके लिए तैयार होना होगा, हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में जो विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं यहां पर लोकार्पित और शिलान्यास की गई हैं, ये विकास की योजनाएं चाहे वह गोरखपुर के गोरखपुर नगर में या मानसिक मंदित आश्रय गृह और उनके प्रशिक्षण केंद्र की यहां पर आवास और चार दीवारी से संबंधित रहा हो, या फिर विभिन्न प्रकार की सड़कों के निर्माण कार्य का, जंगल कोड़ या विकास खंड के अंदर तुर्कवलिया से जसवल चौराहा ये जो मार्ग है, इस मार्ग के लिए देवरिया बाईपास से भगत मार्ग पर भगत चौराहा से गणपति मैरिज हॉल से सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल से कजाकपुर तक इस सड़क के निर्माण का कार्य, गोरखपुर देवरिया मार्ग के मार्ग में भी सुधार का कार्य हुआ है, कैंपियरगंज में लोहरपुरवा ठाकुर नगर बीएमसीटी
मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य है। केंद्रीय सड़क निधि में भटट में माघी बासस्थान मार्ग का है। ब्रह्मपुर विकास खंड में चोरी चोरा और मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य है। महेवा ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पीछे यहां पर जो वेंडिंग जोन नगर निगम की ओर से स्ट्रीट वेंडर के लिए बना है, हरिओम नगर में भी और ट्रांसपोर्ट नगर में भी, महेवा में भी ये कार्य बहुत अच्छा है। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की दिशा में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और मैं प्रशासन से कहूंगा कि हम लोग इसके बारे में भी से कार्य योजना तैयार करें। हम लोगों ने बजट में इस बार हर न्याय पंचायत स्तर पर अतिरिक्त गौ आश्रय स्थल बनाने के लिए भी पैसे की व्यवस्था की है और इसकी कार्य योजना अभी से न्याय पंचायत स्तर पर प्रारंभ हो और एनजीओ को उसके साथ जोड़ने की तैयारी करनी चाहिए, किसी न किसी स्वयंसेवी समूह को उसके साथ जोड़ना चाहिए। गौ आश्रय स्थल के साथ ही निराश्रित गौवंश के भरण पोषण की एक सहभागिता योजना के साथ भी हमने जोड़ा है। अगर कोई किसान एयरटेक की गई गाय को अपने पास रख करके उसका पालन पोषण करता है, गाय स्वस्थ अगर है और उसके घर में रहती है, घर में रहकर के उसकी खिलाने की व्यवस्था करता है, तो सरकार 900 रुपए हर गाय की हर महीने उस किसान परिवार को दे रही है। बहुत अच्छी योजना है, रोजगार को भी सृजन करने का भी है और आस्था के साथ साथ गोवंश की सुरक्षा के साथ भी ये योजना जुड़ी हुई है। कुपोषित परिवारों को भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल से ऐसे परिवारों को एक एक दूध देने वाली गाय उपलब्ध करवाएं और इसमें भी लगभग 1200 से अधिक परिवारों को अब तक ये सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराई है और मैं चाहूंगा कि इस पे हम ध्यान दे देंगे तो बहुत सारे कुपोषित परिवार को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सकती है। ये सभी कार्य प्रदेश के अंदर आज हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आज के इस अवसर पर यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं के सड़क के निर्माण कार्य हैं, तमाम अन्य स्मारकों के सुंदरीकरण के कार्य भी हैं, स्ट्रीट वेंडर के बारे में जो योजना बनाई है, जैसे गोरखपुर शहर के अंदर कुछ बनी है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनका व्यवस्थित पुनर्वास करने के साथ ही सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करने के कार्यक्रम के साथ हमें उसे जोड़ना चाहिए। नगर पंचायतों में भी इसको ले जाना चाहिए। हमारे नगर आवागमन के लिए सामान्य नागरिक के आवागमन में कोई बाधा न पहुंचे, इस दिशा हमें उसको एक नई दिशा में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा शहरी जीवन अगर जाम से वास्तव में प्रतिदिन अगर जाम होने लग जाएगा तो विकास को बाधित कर देगा, कोई फिर वहां नहीं जाएगा, हमें उससे हर हाल में उसे बचाना पड़ेगा और ये पीएम स्ट्रीट वेंडर इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं यहां पर उपस्थित मंच के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों में रुचि लेने के लिए हृदय से उन सबका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम कोविड-19 से जिस मजबूती के साथ लड़े हैं, कोरोना का वैक्सीन आ चुका है, आम नागरिकों को वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है, 60 साल से ऊपर के लोगों को यह वैक्सीन अभी से लगना प्रारंभ हो चुका है, जो लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है। अपने अपनी बारी का इंतजार करिए। हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पदाधिकारीगण आपकी सेवा में सदैव तत्पर होकर के वैक्सीन की उपलब्धता और वैक्सीन समय पे सभी लोगों को लग सके इसके लिए तत्पर होकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आप सबको विकास की योजनाओं के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास कार्यों में आप सबका यही रचनात्मक सहयोग सदैव प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव, जिन्होंने बोला कि गोरखपुर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए 150 करोड़ की योजनाओं का वहां पर